So well, hey what's up guys and welcome back into another video. तो किस तरह आ चुके हैं फिर से लेकर के एक नई वीडियो और किस तरह आज की ये वाली वीडियो बहुत ही दिनों के बाद अपलोड हो रही है और खास करके फेस कैम तो बहुत दिनों के बाद मैं कर रहा हूँ। इधर मेरे को टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने का, तो इस वजह से किसी मैंने काफी ज्यादा लंबे टाइम से वीडियो नहीं डाली थी। एंड जहाँ तक है मेरे को अराउंड 4 months हो चुके हैं वीडियो रेगुलरली चैनल पर डाले हुए, और इस अगर फेस कैम की बात करो तो 1 साल से नहीं डाला है। मैंने सोचा दोबारा से फेस कैम शूट कर जाए, और जहाँ तक है इधर मैं हफ्ते की 3 से 4 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा क्योंकि इधर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इधर मेरे को पढ़ना भी पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा मैं हफ्ते में 3 से 4 बार वीडियो डाल ही दूं। और सर आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक रहने वाला है 2017 वर्सेस 2022। आज की इस वाली वीडियो में हम सर उन वाले प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जो सर फ्री फायर को 2017 से अभी तक के खेलते हुए आ रहे हैं, या फिर सर उन्होंने फ्री फायर को खेलना छोड़ दिया है, या फिर जो भी कैसे उन्होंने अपनी आईडी में कर रखा है वो सब कैसे हम आज की इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इधर किसी मैं ओल्ड लाइव स्ट्रीम उठाने वाला हूं 2017 की, और उसमें से कैसे 2023 वाली अब के टाइम में फ्री फायर में लॉगिन करके उनकी आईडीज देखने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए अभी तक के जिस भी बंदे ने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, और जो बंदा चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और पे सेट कर देना। तो गाइस चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से गाइस अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर गाइस देखो, इधर हम देख रहे हैं ज्ञान भाई की लाइव स्ट्रीम, और इधर गाइस इधर आप देख सकते हो ज्ञान भाई इधर गेम खेल रहे हैं, और इधर कहीं सर ये पता नहीं किसी बंदे का इंतजार कर रहे हैं। एंड देखते हैं कहीं सर इधर ये अब आउट होते हैं, एंड जब ये आउट होंगे ना तो कौन बंदा इन्हें आउट करेगा, हम सबसे पहले उस वाले बंदे की आईडी चेक करने वाले हैं। तो कहीं सर इधर लगता है ओ आउट हो गए भाई, ये वाला सीन तो देखना था बंदे ने कैसे मारा। तो इधर ये शॉर्ट गन से लॉन्ग रेंज में फाइट कर रहे थे भाई साहब। तो इधर इन्हें कर दिया है एक ग्रुप ने आउट। तो इधर सबसे पहला जो बंदा इधर निकल के आता है वो बंदा ये है। तो आउट आप फटाफट से मैं इसकी आईडी नोट करता हूँ, एंड आप फटाफट से चलते हैं गेम में एंड देखते हैं इस बंदे ने कितना प्रोग्रेस अपनी आईडी में कराया है। तो जैसे इधर हमने इस बंदे की आईडी सर्च कर ली है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये बंदा अभी 9 days से अभी तक के ऑनलाइन नहीं आया, बट यार अगर मैं इसका लेवल देखूँ तो इधर के सर इस बंदे ने पूरा का पूरा 71 लेवल कर लिया है, और उसी के साथ गाइस इसकी आईडी तो काफ़ी ज़्यादा ही कर्री लग रही है। और आप इसका बंडल देख पा रहे हो कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लग रहा है। उसके अलावा अगर मैं इसकी लाइट पासिस की बात करूँ तो लाइट पास इसने काफ़ी लंबे टाइम से लिया, पिछली बार लिया था बट पिछली बार नहीं शायद इसी बार कही है, इस बार लिया है इसमें 10 badges इस बंदे ने कर रखे हैं। उसके अलावा शार्प शूटर गोल्डन एंड बाकी सबके डायमंड टैग बंदे को मिल रखे हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं इसकी हीरोइक की बात करूँ तो जैसे ये कर ही लेता है, हीरोइक भी क्रॉस कर लेता है, इसका अच्छे खासे एम्बलम्स है। 21,000 लाइक के साथ 71 लेवल का ये बंदा है विपुल, इस बंदे ने आईडी का नाम चेंज कर दिया है। और अगर मैं गिल्ड में देखूँ तो डेविड 18 गाइज़र इसकी गिल्ड का मेंबर का आप कह सकते हो वो कैप्टन है, एंड जो 71 उसका भी लेवल है। तो इधर मेरे को लग रहा है पूरी गिल्ड के हर बंदे का लेवल 71 होगा। एंड ये बंदा मेनली नाइट्स में खेलता है, इसके अब इधर देख तो नाइट में ही बंदा खेलता है। और उसके अलावा ओवरव्यू में देखें तो आप इसके टोटल मैचेस देख सकते हो, 10,000 इसे स्क्वाड मैचेस खेल रखे हैं, 800 इसे समथिंग में डुओ, और 3,000 समथिंग में सोलो मैचेस। क्लैश स्क्वाड में बात करें तो समथिंग में 2,000 मैचेस खेल रखे हैं, और बाकी यार इसका सब कुछ ही है। और बाकी यार आईडी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी बंदे ने, और जहाँ तक कि सबसे अच्छी बात तो यही है कि इस बंदे ने गेम को कंटिन्यू रखा, एंड इस वजह से कि सर इसकी आईडी आज इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो रखी है। तो ये तो हमारा पहला बंदा, अब फटाफट से बढ़ते हैं अपने सेकेंड बंदे की ओर। देखो हम देखते हैं ये वाला बंदा, इसने इसे आउट कराया ज्ञान भाई को, और उसके बाद एक बंदा और है इधर, 3-4 बंदे हैं समथिंग में। तो इधर ये जो राहुल नाम का बंदा है, अब मैं देख रहा हूँ इसकी आईडी देखते हैं क्योंकि इधर इसे 315 के समथिंग में बैजेस कर रखे हैं, और 50 लेवल इसका अभी है, पूरे इनके चारों स्क्वाड का लेवल 50 ही लग रहा है मेरे को। तो इधर हम फटाफट से इसका देखते हैं, और जो दो बंदे भी पीछे छूटे हैं उनका भी देखेंगे। तो फटाफट से किधर अपने गेम में चलते हैं। तो इधर के सर हमने इस वाले बंदे की भी आईडी सर्च कर ली है, और यार इधर इसकी आईडी में मेरे को कुछ तो घोटा लग रहा है मेरे हिसाब से। कि सर इस बंदे ने जो आप अपने अभी मैच देखा ना यार, उसके बाद ये बंदा सिर्फ एक ही सीजन खेला है, वो वाला सीजन भी इसने खरीदा था, बट फिर उसके बाद इस बंदे ने गेम छोड़ दिया और 52 तक का लेवल इसने कर लिया था। एंड सच बताऊँ यार जिस तरीके से बंदा खेल रहा था ना, एंड जितने इसने लाइट पास इधर आप देख सकते हो ले रखे हैं यार, इसने लाइट पास नहीं लिए थे, एंड बहुत रेगुलरली इस बंदे ने खेला है। पर जो भी है भाई, जैसे भी बंदे इस बंदे खेला है ना, ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल खेला है। एंड चाहता है कि अगर ये कंटिन्यू कर रहा होता ना अपना गेम तो अब तक कहीं सर ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर हो चुका होता। और देखो इधर से क्लैश स्क्वाड के 0 मैच है, इसका मतलब इसने क्लैश स्क्वाड आने से पहले छोड़ दिया है, एंड वो तो इधर आप क्लियरली देख ही सकते हो जो आपने लाइट पास ने ले रखा है 146 बैजेस वाला, उसके हिसाब से आराम से पता चल रहा है 52 इसका लेवल है, जिसमें इसके 200 के समथिंग लाइक्स हैं। एंड यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा बंदा, बट क्या करें यार बंदे ने गेम छोड़ दिया। तो इसलिए सर हम चलते हैं अब तीसरे बंदे की और, जो कि उन्हीं के ग्रुप में था। ओके सर हम फटाफट से अपने तीसरे वाले बंदे की भी आईडी चेकआउट कर लेते हैं। तो इधर के सर एक बंदा तो ये था, एंड मैं फटाफट से रोकूंगा ये रहा।
तो हाँ गाइस, इधर इस बंदे ने भी समथिंग में 317 के समथिंग में बैजेस ले रखे हैं, एंड उसके साथ इलाइट पास भी ले रखा है। और 46 बंदे का लेवल है, जैसे मैंने कहा था पूरे स्क्वाड का लेवल समथिंग में बराबर ही हो रखा है। तो अब हम गाइस इस वाले बंदे की आईडी चेक करते हैं, और काफ़ी हद तक ये इन दोनों बंदों से मिलती हुई है, यानी कि एक साथ खेलने वाले बंदे हैं, यानी कि गाइस इन सब बंदों ने एक ही साथ गेम खेलना स्टार्ट करा होगा, और ये सब ग्रुप मेंबर्स हैं। तो अब हम फटाफट से इस वाले बंदे की आईडी चेकआउट कर लेते हैं। सर एज एक्सपेक्टेड इधर इस बंदे ने भी यही वाला सीन कर रखा है यार। ये भी बंदा 30 दिन से ऑफलाइन और 48 लेवल है। इसने भी गाइस समथिंग में उस वाले मैच के एक महीने बाद ही गेम खेलना छोड़ दिया। ये हमारा लास्ट वाले बंदे की तरह ही निकला, 137 इसने भी कर रखे हैं और उसके भी 150 के समथिंग थे। तो यार पता नहीं यार क्या करते हैं यार ये बंदे, मतलब इतनी सही आईडी होती है। और अगर आप इसके आईडी में देखोगे, भले ही इसने सकोर लाइट पास नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जो ये तीन रेयर लाइट पास है ना, वो इसने ले रखे थे, और दो का तो टास्क भी पूरा है, यानी कि इसे मेल फीमेल दोनों बंडल मिल रखे होंगे, दो में और एक में फीमेल बंडल और कुछ एक्स्ट्रा आइटम मिल रखे होंगे। तो यार बड़े डिसअपॉइंटिंग से बंदे निकले। तो इधर मैं इन वाले बंदों को छोड़ते हूँ, ज्ञान भाई के कोई अगले मैच की बात कर लेते हैं। तो इधर किस तरह हम आ चुके हैं फिर से ज्ञान भाई के एक अगले मैच में, इन्होंने रीमैच करा था। एंड यार जो मैं पिछले वाले बंदे को समझ रहा था ना कि वो एनिमी थे, यार वो एनिमी नहीं थे, वो ज्ञान भाई के ही टीम मेंबर्स थे, तो उधर मैंने थोड़ा गलत समझ लिया। बाकी इधर के देखो यार, इधर अपने ज्ञान भाई फिर से आउट हो चुके हैं, और इधर मैं आवाज़ कम कर लूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी वॉइस में। तो इधर आप देख सकते हो इधर ही ज्ञान भाई फिर से आउट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं फटाफट से जब ये आउट हो जाएंगे तो किस बंदे ने इनको मारा या फिर इनकी टीम में कौन कौन बंदे खेल रहे हैं। और इधर तो इनकी टीम आउट ही हो चुकी है, बस एक ही बंदा रह रहा है इनकी टीम में। तो इधर किसी ने एक बच्चा इधर रिवाइव कराने तो आया है ये जेल वाले कपड़ों वाला, पर नहीं यार इनकी पूरी स्क्वाड आउट हो चुकी है। और इधर जिसने आउट करा है उस बंदे का नाम है कुछ ऐसा। तो इधर इसके समथिंग में 200 के बैजेस हैं और उसके ऊपर से 52 लेवल है। अब हम फटाफट से इस वाले बंदे की भी आईडी चल के चेकआउट करते हैं, एंड देखते हैं इस बंदे क्या प्रोग्रेस अपनी आईडी में करा है। देख सकते हो इस वाले बंदे की अपनी आईडी सर्च कर ली है, और यार ये तो अभी ऑनलाइन था यार समथिंग में 70 आवर्स पहले, तो इसका मतलब रात में इसने बंदे ने गेम खेला होगा। उसके अलावा किसी इधर आप इसकी आईडी देख सकते हो समथिंग में 71 लेवल है। यार ये भी हमारे पिछले वाले बंदे की तरह ही है यार, इसका 71 लेवल है, रेसलर और निंजा का इसे गोल्डन टैग मिल रखा है, और जस्ट फॉर फन और साइलेंट किलर का डायमंड टैग है इसके पास। डायमंड टैग है फिर ये, मैं क्या पता क्या ही है इसका सीन, मैं बहुत दिन से फ्री फायर खेला नहीं है। और बाकी अगर इसके बैज की बात करें तो यार इसने बैजेस भी ठीक ठाक कलेक्ट कर रखे हैं, भले ये खरीदता नहीं है बट यार कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि यार मेरे हिसाब से अच्छा खासा गेम खेलता होगा देर तक। उसके अलावा इसने 503 बैजेस इस वाले लाइट पास के कर रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि यार ये बंदा परचेज भी करता है, क्योंकि 503 तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए थे। और बाकी अगर हम इसकी गिल्ड देखते तो गिल्ड गई सर KM नदीम नाम की बंदे की, जो कि 78 लेवल का बंदा है, यानी कि इसकी गिल्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। उसके अलावा अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो मैं इस बंदे से 620 के समथिंग में मैचेस खेल रखे हैं सोलो में, और 2070 मैचेस समथिंग में डुओ में, और 9000 के समथिंग में स्क्वाड में मैचेस खेल रखे हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग है। उसका 4000 मैचेस इस बंदे ने क्लैश स्क्वाड में भी खेल रखे हैं, और अगर हम टाइम लिमिटेड रैंक देखें तो वो आप इधर सब कुछ देख सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। बाकी जैसे इसकी आईडी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी, और जैसे कि ये बंदा ऑल सीजन हीरोइक बंदा है तो काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड बंदे ने अपनी आईडी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखी है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी मेरे को आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी अगर मेरा एक्सपेंशन पैक नहीं, जिस वजह से इसका बंडल नहीं दिख रहा, मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया सही बंडल पहन रखा होगा। बाकी इधर हम बढ़ते हैं अपने अगले बंदों की ओर, तो इधर हम फटाफट से लाइव स्ट्रीम में पैक कर लेते हैं। तो सर ये जो बंदा होने वाला है ना, वो आज की इस वीडियो का लास्ट बंदा होने वाला है, तो देखते हैं यार ये बंदा क्या करता है। यार देखो ये वाला बंदा तो अभी आउट ही हो चुका है, और बाकी इसके आउट होने के बाद किस बंदे ने आउट करा देखते हैं। तो यार ये तो ऐसी किंग या जो पोआ जो भी नाम है इस बंदे का, हम फटाफट से इस बंदे की आईडी नोट करते हैं एंड फ्री फायर में जाके देखते हैं। देखने में तो अभी नू भी लग रहा है, क्या पता अभी खेल रहा होगा या फिर नहीं। ये आईडी इस वाली वीडियो की लास्ट आईडी होने वाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग खास ही सही से निकल जाती, ये मैं अभी तक सोच रहा था, बट मेरी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन बेकार निकली, क्योंकि इस बंदे ने भी तभी से मैच छोड़ दिया, तब 38 था लेवल इसका, आज 47 है, इसका मतलब कुछ महीने बाद ही खेल के इसने छोड़ दिया होगा। तो आप देख सकते हो यार ये इस वाली लाइट पास बताइए जो ये घोस्ट वाला बनना है, और उसके अलावा इसने 5 लाइट पास और खेले, और उसके बाद ये बंदा भी गेम छोड़ के चला गया। ऊपर से 74 बंदे के लाइक्स हैं, ओवरव्यू भी बस ठीक ठाक ही है, और अगर हम क्लैश स्क्वाड की बात करें तो ये बंदा क्लैश स्क्वाड से पहले ही गेम छोड़ करके जा रखा है, तो क्लैश स्क्वाड में तो इसका क्या ही स्कोर बनेगा। तो यार वीडियो की लास्ट आईडी थी, बड़ी डिसअपॉइंटिंग निकली, बट हाँ यार जो मैंने फर्स्ट आईडी देखी थी ना, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई पर्सनली, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। एंड इन सब आईडीज में से आपको कौन सी आईडी बढ़िया लगी आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।